Let's do question number 20 of exercise 2C, that is polynomial. Question number 20 is write the zeros of the quadratic polynomial. हमें ये जो quadratic polynomial दे रखा है कौन सा? 4 root 3 x square plus 5x minus 2 root 3. इसके हमें zeros of the polynomial निकालने हैं. Zeros कैसे निकालते थे? Factors के through. ठीक है, तो इसकी multiply इसमें की, तो 4 root 3 into 2 root 3. तो बाहर की तो अलग multiply हो गई, 4 into 2 into root 3 into root 3. तो 4 2 is 8, root 3 into root 3 is 3, 24 आ गया. अब 24 minus का, क्योंकि minus plus minus x square के ऐसे factors बनाए कि 5x आ जाए. तो हमें पता है 8 3 is 24x होता है, right? 8 3 is 24, 6 4 is भी होता है, लेकिन 6 में से 4 जाएगा तो 2 आएगा, और add करेंगे तो 10 हो जाएगा, right? अब इन दोनों में से minus करेंगे तो 5 आ जाएगा, और multiply करेंगे तो 24 आएगा, लेकिन minus का चाहिए, तो हमें answer plus में चाहिए, तो बड़ा वाला plus का और छोटा वाला minus का, right? तो अब देखिए 4 root 3 x square plus 8x. अगर आपको यहाँ समझ नहीं आया हो तो class 9th की factorization of polynomial second chapter जरूर देखें. minus 3x minus 2 root 3, right? अब देखिए इसमें से क्या कॉमन निकल पाएगा, 4 कॉमन है और x कॉमन है, तो क्या बचा? root 3x plus 2, right? अब इन दोनों में से एक तो minus कॉमन है, अब इन दोनों में से root 3 ले सकते हैं. क्यों? अगर हमने root 3 कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा? 3 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 को लिख सकते हैं root 3 into root 3, और उसमें से एक root 3 कॉमन आ गया तो क्या बचा? root 3 बच गया, तो root 3 x माइनस का प्लस हो जाएगा, क्योंकि हमने माइनस बाहर कॉमन ले लिया 2. तो हमारा क्या आया कॉमन? root 3 x plus 2 कॉमन आया, तो क्या बचा? 4 x माइनस root 3, ये बच गया. अब हमें जीरोस निकालने थे, तो इन दोनों को हम जीरो के इक्वल रख देंगे, तो root 3x plus 2 equals to 0, तो root 3x equals to कितना है? ये इधर आ गया, तो minus 2 हो गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई? minus 2 upon root 3. इसी तरीके से 4x minus root 3 है, उसको 0 के इक्वल रखा, तो 4x की वैल्यू कितनी आ गई? ये minus का था, इधर आके plus का हो गया, और x की वैल्यू कितनी आ गई? root 3 upon 4. तो हमारे कौन-कौन से फैक्टर्स हो गए? minus 2 upon root 3 and root 3 upon 4 are the zeros of polynomials. Zeros of polynomial answer. Thank you. If you understand the step-by-step solution of this video, please subscribe my channel on maths and share it with your friends. Thank you.